तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान सम्मेलन को संबोधित करने बरेली पहुंचे। विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिरपरिचित अंदाज में बरस पड़े। किसान सम्मेलन में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तो एक बार बोले जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के पास कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि कानूनों के फायदे गिनाने के लिए खुद कमर कस ली है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान सम्मेलन में शिरकत करने बरेली पहुंचे। यहां सीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि जिन्हें भारत और किसानों की प्रगति अच्छी नहीं लग रही, ऐसे लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। सीएम ने कहा कि मंडियां तो चलती रहेंगी, इसके अलावा किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान रैली में लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। उन्होंने किसानों से पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं। सीएम ने कहा कि विपक्ष को कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भी एतराज है। तो एक बार बोले जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष को दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी है 1952 में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक धारा 370 लगा दी थी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के लोगों को भी छूट दे दी है। आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर, आप चाहें तो श्रीनगर या लद्दाख के अंदर अपने लिए जमीन खरीद करके अपना मकान या गेस्ट हाउस या धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं। ये काम अच्छा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके जो अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, क्या यह अच्छा कार्य हुआ है? आप समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं? मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर भी विरोधियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फिल्म सिटी से भी दिक्कत है। विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ सकेंगे, ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए व्यापक पैमाने पर अब तो हम लोग फिर से एक नई दिशा में जा रहे हैं। बहुत शीघ्र फिल्म सिटी आ रही है यूपी में। देखिए फिल्मों में काम करने वाले लोग कितनी मजबूत से थाली बजा रहे हैं, और ये फिल्म सिटी युवाओं के लिए व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा देगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, ये फिल्म सिटी क्यों? बरेली का एयरपोर्ट भी काम करने वाला है बहुत शीघ्र। राजेश जी बहुत दिनों से कह रहे थे यहां के हॉस्पिटल के लिए, देखिए COVID-19 को रोकने के लिए, कोरोना रोकने के लिए उसी बिल्डिंग का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल निर्माण करके कितना लाभ बरेली वासियों को प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 972 करोड़ की 111 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जमे रहे। हालांकि मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम से करीब आधा घंटा देरी से पहुंचे थे,